तो हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं फिलिप्स के टेट ईयरबड्स TWS। नाम काफ़ी लंबा जोड़ा दिया गया है, टेट 2236 कुछ करके, ओके, बट हम इसको बोलेंगे फिलिप्स टेट ईयरबड्स। तो अगर आपको ये ईयरबड्स चाहिए अंडर 2000 रुपीज़ एंड आपको जानना है कि किस टाइप की साउंड क्वालिटी मिलती है, किस टाइप की बेस आपको मिलेगी, क्या माइक्रोफोन अच्छा है, क्या मिसिंग है, क्या एंड क्यों आपको ये लेनी चाहिए एंड किस रीज़न की वजह से आप इसको लीव कर सकते हैं, तो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं GS Tech। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं आपका फिलिप्स का ईयरबड्स। गाइस ये हैं फिलिप्स के टेट 2236 बी के, काफ़ी लंबा छोटा नाम है एंड आई डोंट नो कि फिलिप्स ने क्यों इतना अच्छा नाम रखा है जो कि याद करने में भी काफ़ी डिफिकल्ट है, बट जो भी है यही है फिलिप्स के ईयरबड्स। तो लॉन्चिंग प्राइस इनका था 2000 रुपीज़, बट राइट आफ्टर लॉन्च सेल थी तो सेल में 1900 रुपीज़ इनका प्राइस है। आप फ्लिपकार्ट से इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्लिप्स एक जानी मानी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे ईयरबड्स में फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री की है इंडिया में, आई गेस ये फर्स्ट ईयरबड है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देख लेते हैं अनपैक करके कि क्या आपको बॉक्स में मिल जाता है। तो पहले हम अपने बॉक्स को ओपन करके निकाल लेते हैं। तो बॉक्स निकालते ही आपको थोड़ा ठीक ठाक पैकेजिंग में केस आपका बंद मिलता है, देन ये आपके दो ईयरबड्स हैं जो कि कंप्लीट प्लास्टिक में आते हैं, तो लाइक आपको कोई भी ईयर टिप की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। तो राइट लेफ्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लिप्स की ब्रांडिंग है एंड एक ये बटन दिया हुआ है, आई गेस लेटर ऑन इसका पर्पस मैं आपको बता दूंगा। देन अगर आप इस सेक्शन को ऊपर उठाएंगे तो आपको नीचे की तरफ लाइक जो मेन पोर्शन है वहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिल जाएंगे। तो पेपर वर्क काफ़ी दिया हुआ है एंड ये आई गेस चार्जिंग केबल होनी चाहिए इसमें। तो जी हाँ गाइज, आपकी यहाँ पे एक चार्जिंग केबल है टाइप सी वाली, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सभी चीज़ें साइड में रखते हैं एंड मेन जो प्रोडक्ट है आपका वो ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो गाइज ये आ चुका है आपका फिलिप्स का ईयरबड, फिलिप्स ईयरबड ही बोलूँगा मैं क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। ऊपर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे टाइप सी पोर्ट है एंड ये आपका एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है। तो आप अपने ईयरबड्स केस में रख सकते हैं बड़ा ही आराम से, प्यार से, अंदर भी लेफ्ट राइट यहाँ पर लिखा हुआ है। केस में रखने के बाद कुछ टाइम इनको चार्ज होने देंगे एंड उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इनको अपने स्मार्टफोन के साथ। तब तक फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो फिलिप्स टेट 2236B के आते हैं आपके 6 आवर्स की सिंगल टाइम चार्जिंग के साथ, टोटल आपको मिलता है 18 घंटे का बैटरी बैकअप, जो कि कुल मिला के ओके है। प्राइस के अकॉर्डिंग कम है, अदर ब्रांड आपको बेटर बैटरी लाइफ देते हैं बट सिंगल टाइम चार्जिंग काफ़ी सफिशेंट है। 2 आवर्स लगते हैं केस को चार्ज होने में एंड अप्रोक्स 1 आवर लगेगा ईयरबड्स को चार्ज होने में। तो आप यहां पर देख सकते हैं ईयरबड्स पे भी लाइट इंडिकेट कर रही है। ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी यहां पे मिलते हैं आपको एंड Siri एंड Google सपोर्ट करता है, लाइक आपको मिलता है यहां पे असिस्टेंट। देन 12mm के ड्राइवर हैं, IPX4 की वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट हैं ये, और स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट बोलूँगा मैं, वोटर तो नहीं, ओके। टाइप सी चार्जिंग है, तो प्रेटी मच यही है इन ईयरबड्स के बारे में। ईयरबड्स को कनेक्ट करने के लिए आपको केस ओपन करना पड़ता है, केस ओपन करेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको जो है नाम आ जाएगा प्रोडक्ट का एंड आपके प्रोडक्ट रेडी टू पेयर हैं विथ 80% बैटरी बैकअप। कोई भी गेम मोड आपको नहीं मिलता गाइज एंड गेम मोड के अलावा यहाँ पे आपको
अगर बेटर म्यूजिक मिलता है तो सिर्फ म्यूजिक ओरिएंटेड ये ईयरबड्स होने वाले हैं, ईयर फिटिंग एंड अदर थिंग्स हम चेक कर लेते हैं, बट क्या लग रहा है, ईयर फिटिंग ठीक होगी? चलिए देख। तो गाइज हमने फिजिकल ओवरव्यू कर लिया है फिलिप्स के ईयरबड्स का, फिलिप्स टेट का। हाउ अबाउट ईयर फिटिंग, ईयर फिटिंग कैसी है, कितनी अच्छी ईयर फिटिंग है या कितनी बुरी ईयर फिटिंग है? तो अगर उस पर हम यहाँ पे बात करें तो ईयर फिटिंग कुल मिला के मुझे ठीक मिलती है, इतना बुरा ईयर फिटिंग ईयर एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इवन ये प्लास्टिक है, मैट फिनिश दी गई है बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी की मैट फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ बटन मिल जाता है जिससे आप अपने सिंगल ईयर बर्ड को जो है ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इवन आप रीसेट कर सकते हैं इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। 12 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, एंड क्या वो आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, मैंने ऑलरेडी इनकी साउंड टेस्ट कर ली है एंड जो साउंड टेस्ट में मुझे रिजल्ट मिला है वो काफ़ी सही है, एंड इवन जो बेस एंड जो म्यूजिक क्वालिटी है वो सुपीरियर है इस बजट में। हालांकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, गेमिंग मोड मिसिंग है, आपको बैटर जो है वाटर रेजिस्टेंट मिल सकता था वो नहीं है, केस का सिर्फ 2 टाइम आप केस से अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम दिया गया, बट ये सभी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं अगर आपको एक बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है एंड आपकी प्रायोरिटी है बेटर साउंड क्वालिटी वाले ईयरबड्स लेने के। तो गाइस हम आपको साउंड क्वालिटी का यहाँ पे एक बार चेक करा देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के ये आपको साउंड क्वालिटी ऑफर करते हैं। तो गाइज ये था इनका आउट लाइक ईयरबड कान से बाहर जो साउंड आ रही है, एंड देखते हैं कि क्या साउंड लीक हो रही है। आप मुझे बताइए कि क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है अभी? तो गाइज साउंड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा वॉल्यूम लेवल काफ़ी अमेजिंग है। वॉल्यूम लेवल वाइज मैं इनको 9 मार्क्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। बेस वाइज 8.5, बेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फिर भी 8.5 दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिलिप्स जैसे ब्रांड से मैं थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट? ये कंपनीज आपको क्वालिटी देने में मैटर करते हैं, तो बट स्टिल जो बेस है एंड जो साउंड है वो दोनों काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फिलिप्स टेट ईयरबड्स में। तो फॉर म्यूजिक डेफिनेटली गाइज आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, एंड मे बी इट्स हार्ड टू फाइंड ईयरबड अंडर 2000 रुपीज विद बेटर साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी हो गया, सब चीज़ होगी, बट इनकी जो है वॉइस क्वालिटी के बारे में क्या, वॉइस क्लैरिटी कैसी मिलती है एंड क्या वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करा देता हूँ। तो मैं इसकी वॉल्यूम टेस्ट कर लेता हूँ एक बार। तो गाइज ये जो वॉइस है वो आपकी रिकॉर्ड हो रही है फिलिप्स के टेट ईयरबड से, एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वॉइस क्वालिटी, वॉइस की क्लैरिटी कैसे लगी, क्या वो क्लैरिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही। हालांकि मैं भी चेक कर लूँगा इस रिकॉर्डिंग के बाद कि किस टाइप की ये क्वालिटी है। तो गाइज मुझे तो वॉइस क्लैरिटी काफ़ी ठीक ठाक लगी, एंड आई होप आपने क्लिप के द्वारा वो वॉइस सुन भी ली होगी कि किस टाइप की आपको वॉइस क्लैरिटी मिल रही है। बट स्टिल आपको अच्छा माइक मिलता है, अच्छा आपको बैटरी बैकअप मिलता है सिंगल चार्जिंग में, एंड आपको वॉइस क्लैरिटी के साथ साथ बेटर म्यूजिक क्वालिटी भी मिलती है, बट क्या ये आपके लिए सफिशेंट है? तो गाइज मेरे लिए ये चीज़ सफिशेंट है अगर मैं एक सिर्फ म्यूजिक ओरिएंटेड ईयरबड्स लेना चाहता हूँ अंडर 2000 रुपीज़, बट अगर आप एक ओवरऑल अच्छा ईयरबड्स चाहते हैं जो आपका गेमिंग के लिए हो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो, सिलिकॉन ईयरटिप्स हो, तो वो सभी चीज़ें आपको फिलिप्स टेट में नहीं मिलने वाली। उसके लिए आप दूसरे ब्रांड प्रेफर कर सकते हैं, ढेरों सारे ईयरबड्स अवेलेबल हैं मार्केट में इस बजट पे, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर म्यूजिक लवर मैं फिलिप्स टेट यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। मेरे ओर से इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंडर स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोस के लिए।